अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का एक और लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। इस प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सिंपल सर, अगर पन्न पैतम क्लासन कुन त्राव नजर, पन्न पैतम क्लासन मज प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर तम फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड, यानी कि ना पार्टिकल करन प्रोजेक्ट विथ सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। सिंपल, ये प्रोजेक्टाइल उस वापस बे यवन टू द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड दिस इज द स्टोरी फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। यम साथ पर आख पार्टिकल करन प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट कम्स बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सिंपल, मगर यस क्लासेस मस करो उस तिमन प्रोजेक्टाइलन मुतलिक डिस्कस यम प्रोजेक्टाइल्स अन बू प्रोजेक्ट करक फ्रॉम सम हाइट। फॉर एग्जांपल ये छ टावर अख, या दिस इज अ बिल्डिंग एंड दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ये छ बिल्डिंग एंड दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। यम साब काठ प्रोजेक्टाइल करन प्रोजेक्ट फ्रॉम द टावर फ्रॉम सम हाइट, ये साथ पे कि ये टावर पे कहाँ प्रोजेक्टाइल करन प्रोजेक्ट तेमसी प्रोजेक्टाइल वन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। यानी कि वन कर वन कर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड कह वन कर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट फ्रॉम सम हाइट। वह सर ये टावर पे हूं प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट कर हॉरिजॉन्टली तो बेहस कह एंगल तक दिख, बट इन दिस क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ये साथ बहुत सिंपल का प्रोजेक्टाइल करन प्रोजेक्ट इन दिस डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 degree विद द हॉरिजॉन्टल। सिंपल, ये साथ आख प्रोजेक्टाइल करन प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, द प्रोजेक्टाइल विल मूव लाइक दिस। कुन साथ आज येतस पत वाय देतस तो लास्टस कैरी हिट ग्राउंडस। गेम से शेष बनन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। सिंपल, क्योंकि ये पार्टिकल कोर में प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टली तावे शेमिस ब्याक ना वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। सिंपल वो सर गेम से आदे मिस प्रोजेक्टाइल का इनिशियल वेलोसिटी दिम अलोंग एक्स, तब मतलब वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स इज यू वही नो, चूंकि बराबर तो सरासर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे ये पॉइंट इस ताइन चुन अलोंग एक्स कहीं पे एक्सेलरेटिंग फोर्स, देयरफॉर वेलोसिटी अलोंग एक्स थ्रू आउट द जर्नी रिमेंस कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू यू। सिंपल, चूंकि अगर वो एम सी मोशन कुन त्राव नजर अलोंग वाई हर कोई पॉइंटस पे थ्रू आउट द जर्नी हर कोई पॉइंटस पे चुन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करन एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, Therefore, the velocity along y increases continuously from the point of projection to the point where the particle hits the ground. Simple. Because this particle core is projected horizontally, therefore, back now with initial velocity along x is u. Because this velocity u chu, you can make impart in a horizontal direction. Therefore, initial velocity along x is u. Agar bu y kis direction is kundra hoga? Initial velocity along y is u. Initial velocity along y is 0. Your velocity along x, it remains constant from the point of projection to the point where the particle hits the ground. Simple. M sath van yoh particle chu move karen yet padi hota hai in y direction. Theek. M tha yet padi hota hai in y direction. Har koi point aspect chu this gravity acts vertically downwards. Therefore there is some accelerating force in y direction. Therefore velocity increases. Chunki direction of motion the displacement chu exit direction means therefore एम पॉइंट पे बराबर तो सरासर ये पॉइंट तान छु वाई डायरेक्शन च वेलोसिटी गसन इंक्रीज कंटिन्यूअसली एंड द वेलोसिटी अलोंग एक्स इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, सिंपल। वुइस सर अगर ब मोशन करन कंसीडर फ्रॉम दिस पॉइंट एक एम पॉइंट पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे तात पॉइंट तान ये पॉइंट पे पार्टिकल ग्राउंड हिट गए अलोंग एक्स कोर मूव यूसन एक एम सी चीज बना इन दिस केस दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेंज। So this is the range of the projectile. Simple, even a range.
एक ये पार्टिकल कुता दूर गो फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग आज इस वन रेंज सिंपल तो ये मिस पार्टिकल कुता टाइम लाइक ये पॉइंट पे ये पॉइंट इस टाइम ताज इस वन टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपल सो ये क्या सर मस करते दिस चीज नंबर वन बगर मालूम टाइम ऑफ फ्लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड सेकंड सेकंड आई विल फाइंड द रेंज सिंपल बस सारे ये मी प्रोजेक्ट है को रेंज ठीक सिंपल वो सर टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने खातिर सो नंबर वन I'll be discussing the method to find the time of flight. Time of flight. Time of flight is denoted by capital T. ठीक कुछ सर. ये time of flight मालूम करने के लिए कर बकम. बकरानी यही motion consider. Consider the motion along. I will consider the motion along y. डायरेक्शन टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने खातिर ये भी प्रोजेक्ट आयो टाइम ऑफ फ्लाइट मालूम करने खातिर करन बे यही मोशन एनालाइज इन वाई डायरेक्शन बुझसा अगर बे एमसी प्रोजेक्ट आयो स्कून तरह नजर चूंकि यू कर मे प्रोजेक्ट हॉरिजेंटली देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी इन वाई इज जीरो ए एक्सिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज जी बट जी एक्ट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स दैट्स माइनस जी ठीक सिंपल अलोंग वाई ठीक वैसे सपोज बकर कम बदाब एम पॉइंट पे यथ पॉइंट ताय हसा लोग एमिस टाइम टी वो टाइम इज इक्वल टू टी टाइम इज इक्वल टू टी ठीक सिंपल वैसे क्योंकि अगर बट डिस्प्लेसमेंट अस कुन तरह डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई वाई डायरेक्शन में उसने गोल्डन पार्टिकल ये थस पत वो ये थस दैट मींस डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई इज दिस एक दिस सपोज Suppose the height of building is h. Tell one number. Along y, you see particle chu yasa go displace x. Sorry, h units. Magar you see h chu ishu vinkan from top to bottom. So I can put minus h here. Ishu na from. Ishu hara pethana hai bohan kun. Actus vertically downwards. Go yam saath is kaat chiz. Project address mein major karo from top to bottom. Keep this in mind that it is minus. Simple. Aa koi convention thau ya. Theek? Wo sir, therefore, kyunki ye bani ak motion ak with uniform acceleration, I can use s is equal to u t plus half a t square, which implies that I mean sy is equal to u y into capital T plus half a y into t square. Simple. Which implies that sy go displacement along y that's minus h wo minus h nearna barabar minus h nearna barabar ay minus h nearna barabar u is u initial velocity hu huh? uy is 0 into t plus half ay is minus g and this is t square which implies that minus h near na barabar this will vanish plus minus is minus half g t square minus minus will go which implies that 2 will get multiplied 2hg gets divide 2h by g is equal to t square which implies that t is equal to under root 2h by g magar e plus minus but we know t can never be negative time of flight is negative as therefore t is equal to under root of 2h divided by g symbol this is the formula to calculate the time of flight of a projectile which is projected from a height with initial velocity u from a building of height h simple time matlab ko agar time of flight वुछन टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट ऑफ 2h बाय g टाइम मतलब वो इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टाइम मतलब वुछ खाली डिपेंड करना अगर ये नजर त्रावो इज खाली डिपेंड करना h स्लो पे हाइट ऑफ बिल्डिंग ये जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है ज्यादा टू द टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा टाइम मतलब वो ना इन अदर वर्ड्स अगर वो जो प्रोजेक्टाइल अगर वो जो पार्टिकल करेक्ट थ्रो विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी तीम दानवे पार्टिकल विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ द मास अगर इस सेम बिल्डिंग पे जो पार्टिकल आ थोड़ा
गोपाम व्याकुला लोतपाम यम करो कुछ प्रोजेक्ट विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी u इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दोनों में ऐसे करें रीच द ग्राउंड बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड इन द सेम टाइम देयरफॉर यमन दशवनी देयरफॉर यमन दशवनी यमन दशवनी पार्टिकलन हुन टाइम ऑफ फ्लाइट इज सेम therefore time of flight in this case is independent of initial velocity you should clearly depend on h aspect where h is the height of the wing so this is the formula by which we can calculate the time of flight of a projectile which is projected from a height h simple maklio time of flight अमे बच्चे झाड़ अमी प्रोजेक्टाइल रेंज ये पाड़ो सो नंबर टू आई विल फाइंड द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल रेंज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज नॉट बी आर वो सचूंगी मैं ये प्रोजेक्टाइल रेंज मालूम करूँ वो रेंज मालूम करने खतर चूंकि रेंज अलोंग एक्स मगर मगर यमी प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर अलोंग एक्स कंसिडरिंग द मोशन अलोंग एक्स में यू एक्स क्या छु यू ए एक्स क्या छु जीरो s x क्या हो s x का रेंज s x को डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स इज आर यार चल प्लस के माइनस प्लस ठीक है बगर कम बगर में मेजर फ्रॉम दिस टू दिस इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन देयरफॉर एल कंसीडर पॉजिटिव ठीक तो चूंकि यूता टाइम में सेट पर यूता है लोग तो टाइम लोग ना इमेज ये पर यूता है सो ये पर यूता है यूता टाइम लोग सोचना अंडर रूट 2 h / g सो t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 h / g सिंपल यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर आई मीन sx इज इक्वल टू ux * कैपिटल t प्लस हाफ ax * कैपिटल t का होल स्क्वायर वी गेट एस एक्स बजाय आर सो यह आर नेर ना बराबर यह आर नेर ना बराबर यू एक्स इज यू टाइम इज अंडर रूट ऑफ 2h / g प्लस वह अगर सेमिस्टर में कुन त्रा नजर हाफ गो हाफ ही एक्सेलरेशन अलोंग एक्स ए एक्स इज जीरो टी इज टी स्क्वायर गो रूट 2h / g का होल ये टर्म भी सॉरी वैनिश वो r इज इक्वल टू u अंडर रूट ऑफ 2h / g तब मतलब वो यूस ये मी प्रोजेक्टाइल रेंज हो रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल इज u अंडर रूट ऑफ 2h / g ये गो टाइम ऑफ फ्लाइट ये गो रेंज सिंपल उससे अगर इस रेंजेस को त्राव नजर The range of this projectile depends on initial velocity. Range ये में projectile को range depend करन ये में projectile को range depend करन कहाँ पे है? Initial velocity पे. Simple. Time of flight is independent of initial velocity. मगर अभी projectile को range depend करन कहाँ पे है? Initial velocity पे. ठीक simple. वो इसे एम्पर करो इसको हम एम्पर जाना है इसे घुसना है. Velocity या projectile at any point now we will be discussing the method by which we can find the velocity of this projectile at any time velocity of projectile at any time t so chunki agar we mc projectile isko utarna hai हर कोई पॉइंट स्पेशल वेलोसिटी अलग ये तो चालक 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 वाय वो छोर सु मेथड ये मेथड से जनेश आई प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी है वो कुंती कुंती पर्टिकुलर पॉइंट पर फॉर एग्जांपल के तो कुंती पर्टिकुलर पॉइंट पर बोलो कुछ तब खत क्या कर बगम बगर गम कंसीडर
मोशन अलोंग एक्स वी हैव, अगर भाई यह मोशन कर कंसिडर अलोंग एक्स वी हैव यू एक्स इज इक्वल टू यू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो एट टाइम इज इक्वल टू टी वी एक्स क्या नहीं वी एक्स नहीं है ना यू प्लस ए टी आई मीन यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी विच इम्प्लाइज दैट वी एक्स नहीं है ना बराबर यू एक्स इज यू प्लस ए एक्स इज जीरो इंटू टी सुबह पे यू इस पाई थी डायरेक्ट मैंशन कर यू चु बराबर वी एक्स वी एक्स बराबर यू तो मतलब क्या गो तो मतलब गो अलॉन्ग एक्स द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज्ड सिंपल वाय वो अलॉन्ग वाई क्या गसान कंसिडर द मोशन अलॉन्ग वाई वी हैव वी गेट v yeah u y initial velocity along y is zero y direction man chahi nahi initial velocity therefore initial velocity along y is zero a y is minus g t is at time t is t applying v y is equal to u y plus a y into t we get vy is equal to uy zero that is minus g into t that is minus g t minus scale because this is double goes theek simple so at time t after time t ye me sath ye me projectile is nazar trao mh velocity at t the velocity along y is gt velocity along y is gt and the velocity along x is u x direction much velocity u y direction much velocity gt magnitude of the velocity minus means it is vertically downwards theek therefore v t ne na barabar kyunki ya par se u ya par se gt yim se dhanway kum potential vectors कोइंसिल वेक्टर जिम सर में यमन दाइस में नहीं हुन रिजल्ट दाइस मालूम करम आई विल बी यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल टेकन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट इन द सेम ऑर्डर सिंपल गो या अगर यू छु ई छु जी टी ये बने तो हुन रिजल्टेंट अगर भी वेक्टर करम पनिस पनिस पैरेलल डिस्प्लेस एक एथस ये बने वेक्टर जी टी यह वेक्टर यू यह वेक्टर जी टी ये बने रिजल्टेंट वो वेलोसिटी एट टी ना बराबर ये बने राइट ट्रायंगल अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर सुबह ना अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर सो दिस इज द फार्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी टाइम टी कुछ टाइम टी कुन ते टाइम टी एस नशा को इस ये मेरे रिलेशन से आई मी पार्टिकल जो वेलोसिटी मालूम कर सिंपल क्योंकि अगर इस एमसी पार्टिकल को ट्राव नजर अगर इस एमसी पार्टिकल को ट्राव नजर ये था सेस वेलोसिटी इन y0 वेलोसिटी के इंक्रीज तो ये पॉइंट इस पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टी विद द टी ज्यादा इज टू टाइम्स वेलोसिटी एट दैट विल बी टाइम टी मैक्सिमम ठीक सो तेलवन अब vt का बराबर रहा vt का बराबर रहो अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर बुझर माने से सवन से में है ये से रिजल्टेंट वेलोसिटी छे बिकॉज डिग्री एंगल छु बनाओ विद द हॉरिजॉन्टल अल्फा बहक ना बने ती कि tan ऑफ अल्फा ने ना बराबर vy बट vx vy क्या छु vy को gt vy को gt हां अलोंग जो को gt डिवाइड बाय u विच इम्प्लाइज दैट अल्फा ने ना बराबर थे टैन इनवर्स जी टी बट यू सो टैन वाई थो ये तो बस टैन इनवर्स ठीक सो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स जी टी बाई यू ठीक सो बह ये था लिख दिया द रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ टैन इनवर्स जी टी बाई यू टैन इनवर्स जी टी बाई यू विथ हॉरिजॉन्टल एट टाइम टी या सिंपल लिखो टैन ऑफ अल्फा जू GT by
सो यू गो बी वाई बटा बी एक्स. दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट. वर्टिकल करंट प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट हॉरिजॉन्टली तमिज टाइम ऑफ लाइट अंडर रूट टू एच बाय जी रेंज यू अंडर रूट ऑफ टू एच बाय जी वेलोसिटी एट टाइम टी इज अंडर रूट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर एंड द एंगल विच दिस रिजल्टेंट वेलोसिटी मेक्स विद हॉरिजॉन्टल इज वी बाय वी एक्स एंड दैट इज जी टी बाय यू. सिंपल ठीक सिंपल गो ये तरीक्षण इज सो प्रोजेक्टाइल एनालाइज करन विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सम हाइट. ठीक सिंपल. Now I will be discussing some numericals on this. ठीक वो सर तो इन कल कुछ में न्यूमेरिकल आग से इनमिट आई विल बी डिस्कसिंग द न्यूमेरिकल्स. ठीक क्वेश्चन नंबर वन द क्वेश्चन इज फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड. फाइंड द टाइम टेकन to reach ground. Time taken to reach the ground यानी कि मैं sound time of flight. If a particle is projected with the initial speed of from a tower of height 20 meters. Full stop. Find the velocity of the particle when it hits ground. And also find the angle which the particle hits the ground. Simple. सवाल क्या होगा? सवाल दबन फाइंड द टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड यानी कि ज़िक्र कर सकते हैं तो सारे सो टाइम या टाइमस मंजन आह पार्टिकल यूज पे प्रोजेक्ट कोर विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड फ्रॉम द टावर ऑफ 20 मीटर्स यानी कि ज़िक्र कर सकते हैं तो सारे ये में प्रोजेक्ट है रीच टाइम ऑफ फ्लाइट. नंबर आशना पता टाइम ऑफ फ्लाइट जो आसन बराबर अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन g सो को ना अंडर रूट ऑफ 2 H is the move value. H is go 20, G go 10, 10 2s are, so go root 2, 2s are 4, so go root 4, so go 2 seconds. Tam malla go UC projectile chu, I'm up time of flight draw 2 seconds. Simple. Mark leo gonna kak. So be it, find the time taken. Thik? Simple. Agar bhi mai range aisa bolun karo. Range. नंबर टू अगर मैं रेंज मालूम करूं रेंज ना यू अंडर रूट ऑफ 2h बटा g सुख ना यू एस दिमो पन वैल्यू यू एस एम साथ वैल्यू दिमो यू छु 5 सो गो 5 इनटू अंडर रूट ऑफ 2h बे 20 डिवाइड बाय g गो 10 10 1s आर 10 2s आर सो गो 5 इनटू 2 सो गो 10 मीटर्स तम मतलब गो अमी प्रोजेक्टाइल रेंज आस कूता 10 मीटर्स. ठीक सिंपल. एम पर क्या मन सवाल फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड. सो वन समय
एमसी पार्टिकल्स क्या है वेलोसिटी टाइम्स आर एम साथी पार्टिकल कर हिट ग्राउंडस उस सब क्या करता हूं क्योंकि एम साथी पार्टिकल कर हिट ग्राउंडस ठीक बगैर करूं नंबर 3 कंसीडर द मोशन अलोंग y I will consider the motion along y. We say, suppose this is the tower. This is the tower. This is the ground. Okay, this is the ground. Yet person back particle current project and this moves like this. Time of flight kuta dao? Time of flight 2 seconds. Range kuta dao? 10 meters. Idra range projectile. Take simple. The height of building is 20 meters. The height of building is 20 meters. Sawal daban sikha sakum. Suman sami. ये कैमी वेलोसिटी सान करी हिट ग्राउंड सिंपल फाइंड द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड वो सच क्योंकि अगर भी ये थसरा नजर अगर भी यथ पॉइंटस कुन तरा नजर अगर भी यथ पॉइंटस कुन तरा नजर यथ पॉइंटस पे आइस ना बे एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी टी एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकंड गाइस जी वाज ना 5 मीटर पर सेकंड गाइस along x the velocity doesn't change theek bucha yota vatnas ta emsati particle yothas vot emsati yes velocity along y tam khatra karbu kam consider the motion along y we know u y initial velocity along y is 0 a y is minus g t shuna te t guna yet pan jata ko da time log super mass ko 2 seconds till near na v y near na barabar u y plus a y into t सुबह ना which implies that v y near ना बराबर v y near बराबर u y सुबह zero plus a y को minus g t को 2 seconds सुबह minus g जब मो पानो value सुबह 10 into 2 सुबह -20 meters सुबह -20 meters per second minus कह दो ठीक है शु downwards ठीक simple वो एम साथ बे ये था सोच एम साथ बे ये था सोच y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर्स पर सेकंड गो अलोंग y कैरी हिट 20 मीटर्स पर सेकंड अलोंग x 5 तेल वन अब v इज इक्वल एट दिस पॉइंट द वेलोसिटी इज 5 अलोंग y 20 अलोंग y मगर डाउनवर्ड्स गो -20g यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग x इज i कैप यूनिट वेक्टर अलोंग y इज j कैप चूंकि शो नेगेटिव y देयरफॉर यथा इसको यूनिट वेक्टर ही -j कैप ठीक सो दिस इज द वेलोसिटी विद विच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड व्हाट इज द वेलोसिटी स्पीड वी नो दैट स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर या -20 स्क्वायर सो अंडर रूट ऑफ 5 को 25 प्लस 400 सो 425 दिस इज द आंसर मीटर्स पर सेकंड सो ये मी स्पीड सान कैन पार्टिकल हिट ग्राउंड सिंपल ये है उसे मालूम करो आल्सो वाइज वाला सवाल है आल्सो फाइंड द एंगल विद व्हिच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड सो वन समय ये एम साथ ही पार्टिकल हिट कर ग्राउंड अस यू को तो एंगल बनाए सो वाइज ना पता टैन अल्फा सो बराबर वी वाई बाई वी एक्स वी वाई को 20 यू को 5 गो टैन अल्फा इज इक्वल टू 4 5 वन जर 5 4 जर गो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 4 गो दिस इज द एंगल विद विच द पार्टिकल हिट्स द ग्राउंड सिंपल ठीक गो ये भी ये में वेलोसिटी सान ये में स्पीड सान तो ये में एंगल सान करी पार्टिकल हिट ग्राउंड ठीक सिंपल